हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मिडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर्स एंड गेम के बारे में और टाइम जंप के बारे में। अभी हाल ही में जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, हमने उसमें ब्लैक विडो के बाल व्हाइट रंग के देखे थे, और जो कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुए एवेंजर 4 से रिलेटिव, तो उसको देख के तो यही लगता है कि हाँ, इस मूवी में टाइम ट्रेवलिंग होगी और एक टाइम जंप होने वाला बहुत बड़ा। क्योंकि अभी हाल ही में जो कॉन्सेप्ट आर्ट जो पोस्टर लॉन्च हुआ, जो कि आप रिसेंट में देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि ब्लैक विडो के जो बाल हमें दिखाई दिए ट्रेलर में, वो करीब 4 साल के बाद के थे। यानी कि काफी ज्यादा असर पड़ा इस चीज का। और देन जब ब्लैक विडो पीछे बैक में जाएगी, तो उसके बालों के कलर रेड हो जाएंगे, जो कि 2012 का इवेंट होगा। और हमने काफी सारी इससे पहले इमेजेस देख चुके हैं, जो कि आप रिसेंट में देख रहे हो, जो कि सब टाइम ट्रेवलिंग की थी, जैसे कि हमें कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, हल्क और हमारा टोनी स्टार्क भी था, और एंटमैन। और सबसे बड़ा टाइम ट्रेवल का सबूत तो एंटमैन भी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी बड़ी थ्योरी चल रही है। पर ब्लैक विडो के बाल से ये रिवील्ड हो जाता है कि हाँ, इस मूवी में टाइम ट्रेवलिंग होगी, जो कि आज का अपडेट है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख, तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर ब्लैक विडो के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ